सो वेलकम टू एमराद दोस्तों 4 सितंबर को बहुत ही ज्यादा अहम खबर पाकिस्तान को लेकर और तुर्किया को लेकर आम पर आई है कि पाकिस्तानी एयर चीफ तुर्की गए हुए हैं जहां उन्हें टर्कश प्रेसिडेंट ने रिसीव किया है जो कि अपने आप में बड़ी एजाज की बात है तुर्क के साथ और रिपोर्टर्डली टर्किश एयर चीफ के साथ भी मुलाकात की है अब से दोस्तों तकरीबन चार माह पहले तुर्किया के एक हाई रैंक कमांडर पाकिस्तान आए थे उस पर हमने डिटेल वीडियो बनाई हुई है और उस पर जो ऑफिशियल वीडियो पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिलीज की थी उसमें पी एफ एक्स उसके अलावा जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के मॉडल में वो दिखाए गए थे और पाकिस्तान एयरफोर्स का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है तुर्किया के लिए उस पर बात की गई थी अब इस डेवलपमेंट के तकरीबन तीन से चार माह बाद ही पाकिस्तानी एयर चीफ भी तुर्किया गए हैं और ये एक ऑफिशियल विजिट है इसके बारे में बहुत सी चयियां भी हो रही हैं और उसके साथ साथ रिसेंटली आपने ये भी खबर सुन ली होगी की जे एफ टर्किश थंडनोलॉजी को भी एड किया जाएगा उसके साथ साथ जो आजरबाई यहाँ जी एफ सेवनटीन थंडर लेगा उसमें भी मिसाइल्स को नस्ब किया जाएगा ये बहुत ही ज्यादा आम डेवलपमेंट्स हैं जिनको आपको क्लोजली देखना होगा और इन तमाम चीजों को जब आप मिलाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पाकिस्तान तुर्किया बहुत ही ज्यादा क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रहे हैं और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सिर्फ जी एफ सेवनटीन के प्रोजेक्ट के लिए नहीं ये चूंकि एक अहम प्रोजेक्ट है जिससे बहुत सी टर्श कंपनीज का और पाकिस्तानी कंपनीज का भी फायदा है और दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स का और ओवरऑल मिलिट्रीज का भी फायदा है लेकिन अब हम आ जाते हैं प्रॉपर इसके एनालिसिस पर दोस्तों पाकिस्तानी एयर चीफ का तुर्किया जाना और वहाँ तुर्किया के हाई रैंक ऑफिशल्स के साथ मुलाकात करना यानी कि तुर्किया के सदर के साथ टर्किश डिफेंस मिनिस्टर के साथ और एयर चीफ के साथ और उनके मुख्तलिफ जो डिफेंस अटैचेज हैं उनके साथ बात करना यहाँ जो अहम चीज़ कही आ रही है कि कान एयरक्राफ्ट की पाकिस्तान एयरफोर्स में इंडक्शन को लेकर बातचीत होगी कुछ सोर्सेज के मुताबिक 2030 से 2032 के दरमियान कान एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान एयरफोर्स इंडक्ट करने का सोच रही है क्योंकि साउथ एशियन रीजन में एयर वॉरफेयर अहमियत इख्तियार कर चुकी है न सिर्फ पाकिस्तान के इस साउथ एशियन रीजन में बल्कि पूरी दुनिया में अगर किसी मुल्क की एयरफोर्स स्ट्रॉग है वो मुल्क ओवरऑल स्ट्रॉन्ग समझा जाता है क्योंकि एयरफोर्स नहीं आगे आर्मी एसेट्स को भी एयर सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और इसके साथ साथ जो मेरी टाइम मिशन है उनमें आपको एयर एसेट्स की हर लिहाज से जरूरत पड़ती है दोस्तों इससे पहले कान एयरक्राफ्ट के बारे में बताता चलूँ तो तुर्किया के डेप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने पाकिस्तान में रेमनी के टाइम पर अपनी स्पीच में ये क्लेम किया था कि दो सौ ज्यादा पाकिस्तानी इंजीनियर्स ऑलरेडी पाकिस्तान इन आवर नेशनल इंजीनियर्स ऑलरेडी Take part in the development of the... और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है अब 200 की बजाय काफी ज्यादा पाकिस्तानी इंजीनियर तुर्किया में हैं जो कि कान एयरक्राफ्ट के इस प्रोजेक्ट में टर्किश इंजीनियर्स के साथ मिलकर टर्किश फेसिलिटीज में काम कर रहे हैं जब कान एयरक्राफ्ट पाकिस्तान में आएगा तो बकायदा इसकी एक सेपरेट प्रोडक्शन लाइन होगी पाकिस्तान में और उसके बाद पाकिस्तान भी इसके मुख्तलि पुरजों को बनाएगा इन स्पेयर पार्ट्स को मैनुफेक्चर करने के साथ साथ पाकिस्तान कान एयरक्राफ्ट को मुल्क में ही असेंबल करेगा इस तरह एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को बनाने का तजर्बा भी पाकिस्तान एयरनोटिकल कॉम्प्लेक्स के पास आएगा यहाँ दोस्तों जी एफ सेवन थंडर की सेल को लेकर काफी ज्यादा बेहतर प्लान लग रहे हैं पाकिस्तान और तुर्किया के जहाँ तुर्की अपने क्लोज रहे जी एयर टूर के साथ साथ अपने बी वी आर मिसाइल्स को आजबाइजान को बेचेगा और पाकिस्तान एयरनोटिकल कॉम्प्लेक्स चाइना के तावन से जी एफ सेवनटीन ब्लॉक थ्री आजरबाईजान को देंगी तो इस तरह दोनों कंट्रीज यानी कि तुर्की और पाकिस्तान इनका फायदा होगा कि हमारे सोर्सेज के मुताबिक पाकिस्तान और तुर्किया जो ज्वाइंट बीवीआर मिसाइल बना रहे हैं लॉन्ग रेंज बीवीआर मिसाइल जिसको पाकिस्तान में फतेह 2 और तुर्किया में गोक्तुगान 2 कहा जाएगा इसकी डेवलपमेंट की पेस को तेज किया जाएगा अब अब इसकी टाइमलाइन को स्ट्रेच किया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि जल्द से जल्द इस बीवीआर मिसाइल को बनाया जाए और इसे इंडक्शन के मराल के तक लेकर आया जाए और इन्हें बाकी एयरक्राफ्ट पर इंटीग्रेट किया जाए क्योंकि अगर दुनिया के बाकी मुल्कों को देखें जैसे अमेरिका है तो वो इस वक्त न्यू बीवीआर मिसाइल्स पर काम कर रहा है इसके साथ साथ इंडिया है तो उसका अपना एक एस्ट्रा एम के टू नाम से पूरा एक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बाद एस्ट्रा एम के थ्री का भी प्लान है इंडिया का तो यहाँ पाकिस्तान तुर्की जैसे जो कंट्रीज हैं वो ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि पीछे रह जाएं बिकॉज अगर बी डोमेन में आपकी सुपरियोरिटी नहीं है और आपके पास लॉन्ग रेंज बी वी मिसाइल्स नहीं है जो कि क्वालिटी वाइज भी अच्छे हों तो आपके पास बेहतर एयरक्राफ्ट होने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम फर्ज़ करें स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कान जैसा भी आपके पास है लेकिन आपके पास लॉन्ग रेंज बी वी मिसाइल ही नहीं है तो फिर उस स्टेल्थ एयरक्राफ्ट का कोई फायदा नहीं है इसी तरह अगर हम इजिप्शियन एयरफोर्स को भी देखें तो एफ सिक्सटीनज राफेल हैं लेकिन उनके साथ बी वी मिसाइल्स नहीं है तो वो सिर्फ एरोटिक्स के लिए या इस तरह के मामला के लिए हैं वो ऑपरेशनली बिल्कुल भी कामयाब एयरक्राफ्ट नहीं है तो ये वो चीज़ें हैं जिस पर पाकिस्तान और तुर्की बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं यहाँ चूँकि एयर चीफ का विजिट हुआ है तो इसलिए हमने ज़्यादातर जो एयरफोर्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बात की है बाहर आ पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान चल रहे हैं पी बाबर का पूरे का पूरा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है तुर्की के साथ पाकिस्तान नेवी का उसके साथ साथ बहुत से दूसरे इक्विपमेंट है जैसा की बहुत से यूसी भी सिस्टम है जिनमें पाकिस्तान नेवी ट्रस्टे और पाकिस्तान नेवी उन्हें खरीद सकती इसके है इसके साथ साथ यहाँ अक्सुंगर ड्रोन को लेकर भी बात चल रही है की आयर से पाकिस्तान एयरफोर्स या पाकिस्तान नेवी उसकी तरफ जाएगी ताकि लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग और इस तरह के मुख्तलिफ मिशन को सरंजाम देने के लिए एक सेपरेट प्लेटफॉर्म लाया जा सके हालांकि इस जैसे प्लेटफॉर्म पहले भी पाकिस्तान एयरफोर्स की सर्विस में मौजूद है दोस्तों पाकिस्तान और तुर्किया के दरमिया जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है इसे आप बिल्कुल ऐसे समझ सकते हैं जैसे इंडिया और इसराइल के दरमिया स्ट्रेटिक पार्टनरशिप है इंडिया एक दूसरे के साथ टेक्नोलॉजी शेयरिंग भी भी करते हैं प्रोडक्शन फैसिलिटीज आपको नजर आएंगी उसके साथ साथ बहुत से मामला है जहां इसराइल इंडिया को बहुत सी लिबर्टी भी प्रोवाइड करता है डिफेंस इक्विपमेंट के मामला में सेम इसी तरह के मामला आपको तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान भी देखने को मिलते हैं तुर्की ने तकरीबन पिछले सात से आठ साल में अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स को और उसके साथ साथ अपनी डिफेंस मार्केट को बहुत ज्यादा बूस्ट किया है और इस चीज से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है और इसके साथ साथ पाकिस्तान को भी टर्किश कंपनीज की तर्ज पर अपनी पी बेहतर करने की जरूरत है तो आपका इस पूरी सिचुएशन के बारे में क्या ख्याल है अपनी आराज से जरूर आगाह कीजिएगा मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए हाफिज